मैं यही कह सकता हूँ कि परिवार के साथ मैं हूँ, ईश्वर परिवार की इस दुखद घटना को सहन करने की ताकत दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम इसको CBI से इंक्वायरी कराएंगे। हमारा भी मानना है कि इसकी हर पहलू की जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में गोली चली और कैसे श्री विवेक तिवारी जी को लगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये सड़क चलते हत्या हो गई, ये साधारण घटना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और इस विषय को लेकर परिवार जो भी हमसे कहेगा हम हर संभव मदद उनकी करेंगे। परिवार के साथ है, अरे सब थोड़ा सा बाहर उनको आश्वासन दिया गया है, वो पूरी तरह पूरा किया जाएगा और जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। कल ही शासन ने उनको बर्खास्त कर दिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है और विवेचना गोमती नगर थाने से हटा के दूसरे थाने को दी गई है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। IG जोन श्री सुजीत पांडे की अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि परिवार चाहता है और आवश्यक होगा तो CBI को रेफर किया जाएगा। हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और ये एक आपराधिक घटना है, ये कोई एनकाउंटर नहीं था। ये जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो।